नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त योगेश खत्री। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे हैं रिफाइनरी में एचपीसीएल की चल रही हड़ताल की, और इस हड़ताल के कारण रिफाइनरी के एचपीसीएल डिपो से पेट्रोल डीजल केरोसिन और एफओ की भराई बंद हो गई है। ये हड़ताल वहां पर ट्रांसपोर्टर द्वारा की जा रही है। एक ट्रांसपोर्टर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, हरिओम। हरिओम जी, क्या जानकारी है, किस लिए ये हड़ताल आपने की है, कब से की है, बताएं आप। जी सर, सुबह से हड़ताल चालू है हमारी और सभी अधिकारी गण अपनी अपनी मर्जियों से काम करते हैं। कुछ हमारा जो पैसा होता है टेंडर का, वो काटा जा रहा है। अच्छा, आपका पैसा काटा जा रहा है ट्रांसपोर्टर का टेंडर का? हाँ। किस लिए काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है, कितना काटा जा रहा है? जो शॉर्टेज होती है ना, वो काटी जाती है। अच्छा, शॉर्टेज काटी जा रही है, तो वो शॉर्टेज तो काटेगी कंपनी, फिर आप ये बताइए कि इसमें आपको क्या करते हैं? नहीं, शॉर्टेज गाड़ियों की, तेल की शॉर्टेज होती है, वो नहीं है। गाड़ियों को जो टेंडर में होती है, कभी इनका मोनोग्राम लगाना है, कभी कुछ लगाना है, कभी कुछ लगाना है, ड्राइवरों को हर जगह परेशान करना है, इन्हें हर बात पे टाइम से ये गाड़ी को लोडिंग नहीं कर पाते। जी, ड्राइवर कंडक्टरों को बहुत परेशान किया जाता है और ना इनके पास में कोई सुविधा है। ऑफिसरों को ड्राइवर कंडक्टरों में से मुनीम में से बदबू आती है। जी सर, तो मतलब ये आपका कहना है कि आपका जो टेंडरों में से ये धनराशि का काटा जाना है, इसको रोका जाए और ये जो राशि काटी गई है वो आपको दी जाए, है ना? जी सर। और भी कोई डिमांड्स है आपकी? सर, और कोई डिमांड नहीं है, वैसे तो बाकी सारी सुविधा है फिलहाल। अच्छा, ये जो डिपो है यहाँ पर एचपीसीएल का ही है जहाँ के विरोध में आपने ये हड़ताल की है? जी सर, जी, एचपीसीएल हिंदुस्तान। जी, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी सर, और यहाँ पर और भी डिपो है? जी, बीपीसीएल पास में ही है, तो इसमें तो ऐसी कोई समस्या नहीं है ना? ना, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो कितने ट्रांसपोर्टर्स आप हड़ताल कर रहे हैं? जी सर, आप कितने ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, ये एचपीसीएल डिपो के ट्रांसपोर्टर्स जो है? करीब 10-8 लोग हैं, 10 ट्रांसपोर्टर हैं, 10-12। और उनकी कितनी गाड़ियां हैं और उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? करीब से करीब 70-80 गाड़ियां हैं सर। 70-80 गाड़ियां आपकी हैं और वो भराई नहीं कर रही हैं, और अन्य गाड़ियों की भराई हो रही है वहाँ की? सब सारी रोक दी गई है सुबह से, सारी रोक दी गई है। तो क्या कह रहा है वहाँ का एचपीसीएल का प्रशासन, आपसे क्या कह रहा है, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें कोई ऐसा? अभी पुलिस आई है सर, कुछ देर में जानकारी मिलेगी जी, तो मैं आपको कॉल बताता हूँ सर। तो ये थे एक ट्रांसपोर्टर एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के रिफाइनरी मथुरा स्थित डिपो पर चल रही हड़ताल की जानकारी दे रहे थे। ट्रांसपोर्टर हड़ताल कर रहे हैं और उनकी हड़ताल के कारण भराई नहीं हो पा रही है पेट्रोलियम पदार्थों की, पेट्रोल डीजल केरोसिन और एफओ की भराई नहीं हो पा रही है। 70-80 जो वाहन है, टैंकर है, उनके मालिकान ने ये हड़ताल की है, अपनी राशि में कटौती किए जाने के विरोध में इनके द्वारा ये हड़ताल की जा रही है। और इनका ये कहना है कि टेंडर आदि की जो प्रक्रिया है उसमें इनके द्वारा ये कटौती की जा रही है, जो गलत है, और इस कटौती को वापस लिया जाना चाहिए, इनको इनकी धनराशि को दिया जाना चाहिए, और सुबह से ये हड़ताल चल रही है। We don't want a good school. We want a great school. Where we're not just roll numbers, but unique individuals. Where we don't mug up. We explore. We don't need to be told whether we are good. We want to discover what we're good at. We want to create the future. Because we are the future. We are Mount Letra Z School. एचपीसीएल में चल रही ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के संबंध में एक और ट्रांसपोर्टर हमारे साथ है फोन लाइन पर, बताइए क्या नाम है आपका? जी, सत्येंद्र। सत्येंद्र जी,
सत्येंद्र जी आप क्या बताना चाहते हैं इस हड़ताल के बारे में? हड़ताल सभी ट्रांसपोर्टर ने संबंध में, ये हड़ताल सभी ट्रांसपोर्टर ने इसलिए की है कि सभी ट्रांसपोर्टर का जो हम कंपनी को किराए पर गाड़ी देते हैं, हमारा किराया बिना हमारी जो हमारी नियम कानून नियम थे जी, उनके विरुद्ध काट दिया गया है। अच्छा, किसी ट्रांसपोर्टर को 1.5 लाख कटा है, किसी का 2 कटा है, तो किसी का 2.5 कटा है जी, जिसकी कोई सूचना हमें पहले से नहीं दी गई थी। तो आप ये चाहते हैं कि आपका ये भाड़ा न काटा जाए? हाँ, हमारा भाड़ा जो उन्होंने काटा है वो हमें वापस दिए जाए, और जो भी इनका इश्यू है पहले हमें उसकी सूचना दी जाए, और उसे वो अगर चीज प्रूफ होगी तो हम अपना हम पेमेंट कटवाने को तैयार हैं। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं भाड़ा काटने के पीछे क्या कह रहे हैं कि? वो कह रहे हैं कि अभी आगे विचार करेंगे। नहीं, आगे विचार करेंगे तो वो भाड़ा क्यों काट रहे हैं आपका? वो कह रहे हैं कि गाड़ियां जो चल रही हैं, जो आज से 2 साल पहले गूगल मैप से आरटीकेएम पे हुए थे हम लोगों के साथ में, वो आरटीकेएम किलोमीटर जो गाड़ी चलती है गूगल मैप से, दूरी जो तय की गई थी 2 साल पहले, वो और कम हो गई है जी, इनका कहना ये है। अच्छा, दूरी कम हो गई है इसलिए आपका भाड़ा उन्होंने काट लिया है? अब ये पता नहीं कि पंप कभी आ गया है, डिपो आगे बढ़ गया, ये पता नहीं चल रहा। अच्छा जी, ये आप मतलब एक व्यंग कर रहे हैं इस बात की डिपो मतलब इधर उधर हो गया है या पंप इधर उधर हो गए हैं ना जी। तो आपकी ये जो गाड़ियां हैं वो कहाँ कहाँ जाती हैं? ये पेट्रोल डीजल केरोसिन यहाँ से मथुरा से भरकर मुजफ्फरनगर तक, और इधर आपका इटावा तक। अच्छा, और बीच में ये आपके जितने भी जिले हैं सभी जगह करते हैं क्या? नहीं, हमारे ड्राइवर कोई गड़बड़ नहीं करते। अच्छा, जिसकी वजह से उन्होंने खैर आप नहीं कह रहे हो कि वो कह रहे हैं कि दूरी कम हो गई है? हाँ, उनका कहना जो है दूरी कम है। ये नहीं कह रहे कि माल कम हो गया है रात? नहीं, माल कम की कोई बात नहीं है। अच्छा, तो अभी हड़ताल आपकी जारी है? अभी हड़ताल जारी है, बातचीत आपकी हुई है तो वो कह रहे हैं कि आगे देखेंगे, अभी कुछ आगे विचार करेंगे, आगे विचार करेंगे, आप हड़ताल खत्म कीजिए जी। किससे बातचीत हुई है, किसकी बातचीत हुई है? जी, भारत भूषण जी से, डिपो मैनेजर जो है भारत भूषण, उनसे आपकी बात हुई है ट्रांसपोर्टर्स की जी। और पुलिस आई, पुलिस ने क्या किया, रिफाइनरी पुलिस ने यहाँ पर? पुलिस आपकी समझौता कराने की कोशिश कर रही है जी। तो आपने जाना कि मथुरा में रिफाइनरी में HPCL के डिपो पर ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी है, और उनके द्वारा ये हड़ताल इसलिए की जा रही है कि उनका भाड़ा काट लिया गया है डिपो के द्वारा, ये कहते हुए काट लिया गया है भाड़ा कि दूरी कम हो गई है। अब ट्रांसपोर्टर इस पर व्यंग्य कर रहे हैं कि क्या डिपो कहीं और चला गया है या पंप कहीं और चले गए हैं जिससे दूरी कम हो गई है और वो भाड़ा काट रहे हैं, और जब इस संबंध में बात की गई है हड़ताल करके तो डिपो मैनेजर का ये कहना है कि आगे देखो, अभी मतलब इस मामले को टाल रहे हैं, और पुलिस आई है, पुलिस इस मामले में समझौता कराने के प्रयासों में लगी हुई है। हम यदि आपसे जाने सत्येंद्र जी इतना और कि इस आपकी हड़ताल से किस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? डिपो की सेल पर प्रभाव पड़ता है जी, ट्रांसपोर्टर का भी नुकसान होता है, और पेट्रोल पंप जो है क्योंकि कल संडे है, हाँ, तो वहाँ पर भी पेट्रोल मिलने में भी दिक्कत आएगी। कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी? पेट्रोल मिलने में, डीजल मिलने में, केरोसिन मिलने जिन, में, जिन, जिन, में जिन 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 पंपों पर टैंक छोटे हैं उन पर। ये कहाँ कहाँ के होंगे? ये तो सर जहाँ भी जो भी पंप हैं जिनकी जो कैपेसिटी कम है उन पंपों में दिक्कत आएगी। मथुरा से इटावा और मुजफ्फरनगर तक के पेट्रोल पंप इससे प्रभावित होंगे, उनकी आपूर्ति प्रभावित होगी जी। जी, मथुरा में भी आप ही की गाड़ियां ये आपूर्ति? हाँ जी जी जी, मथुरा आगरा अलीगढ़ बुलंदशहर नोएडा गाजियाबाद मेरठ। तो क्या कहीं कोई ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि किसी पंप के बंद होने की नौबत भी उत्पन्न हो सकती है इस दौरान वहाँ पर आपूर्ति न होने से? नहीं, पंप होल्ड की जो गाड़ियाँ हैं जो पंप की सप्लाई अपनी पंप की सप्लाई ले जाती है
वो गाड़ियां नहीं रुकी हैं जी, उन पंपों की सप्लाई जा रही है, जो जो ट्रांसपोर्ट भेज दें वही उनकी सप्लाई नहीं पहुंच रही है। तो उनकी अगर उनका स्टॉक खत्म हो गया, उनके पास नहीं रहा पेट्रोल डीजल, तो वो बंद तो बंद हो। चलिए धन्यवाद। तो ये जानकारी रही ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की। एसपीसीएल डिपो के ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं और उनके द्वारा ये हड़ताल अपना भाड़ा खत्म किए जाने को लेकर की जा रही है। देखना होगा कि हड़ताल कब तक चलती है। Want a good school? We want a great school where we're not just roll numbers but unique individuals, where we don't mug up, we explore, we don't need to be told whether we're good, we want to discover what we're good at, we want to create the future because we are the future. We are Mount Letras Z School.